अल्फाज़ाती चन में हर दिन नया रंग, प्यार और स्वाद का यहाँ है संगम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वाला पनीर। दही वाला पनीर बनाने के लिए पनीर ले लेंगे, लेंगे टमाटर दो पिसा हुआ, डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, काली मिर्च जीरा का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारा मसाला निकल गया। पनीर को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गया, डाल देंगे एक एक करके पनीर फ्राई होने के लिए। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई हो गया, अब निकाल देंगे सारे पनीर को। तेल गरम हो गया, डाल देंगे मेथी का फोड़न, मेथी भी हो गया, डाल देंगे प्याज पिसा हुआ, सब भूनेंगे। प्याज को खूब अच्छे से भुनेंगे, डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, को भी डाल करके भुनेंगे। प्याज भुना गया, डाल देंगे टमाटर और मसाला जो निकाले थे उसको डाल करके खूब भुनेंगे। मसाला खूब अच्छे से भुना गया, अब डाल देंगे दही, दही डाल करके भी भुनेंगे, इसको भी खूब भुनेंगे। मसाला भुना गया, डाल देंगे पनीर, पनीर डालने के बाद डाल देंगे पानी, पानी डाल करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। दस मिनट हो गया, ढक्कन खोल देंगे, डाल देंगे धनिया पत्ती, धनिया पत्ती डाल करके 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया धनिया पत्ती डाले हुए, पनीर बन गया है। पनीर की सब्जी बनके रेडी है।